नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं धमचिक। आज कोर्ट ने स्वामी असीमानंद को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया है। पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट ने असीमानंद समेत सभी चारों आरोपियों को मामले में बरी कर दिया। असीमानंद के अलावा लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी मामले में बरी हो गए हैं। पहले आपको बताएं कि असीमानंद का ये मामला आखिर है क्या। दरअसल दिल्ली लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नज़दीक दो बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 68 लोग मारे गए और 12 अन्य घायल हुए थे। उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। इस घटना के बाद हरियाणा पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और जुलाई 2010 में इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी थी। नभा कुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी अदालत में पेश हुए थे, जबकि हमले की योजना बनाने वाले सुनील जोशी की दिसंबर 2007 में मध्य प्रदेश के देवास जिले में उसके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। समझौता एक्सप्रेस को अटारी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। अब पूरी तफसील से ये जानिए कि असीमानंद कौन है। कौन है स्वामी असीमानंद? 69 वर्षीय स्वामी असीमानंद का असली नाम नभा कुमार सरकार है। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। बचपन से ही असीमानंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे। असीमानंद ने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। 1977 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए। उनके गुरु स्वामी परमानंद ने उनका नाम स्वामी असीमानंद रखा। 1988 तक असीमानंद अपने गुरु के साथ ही रहे, जिसके बाद असीमानंद अंडमान निकोबार में वनवासी कल्याण आश्रम की देखरेख करने चले गए। सन 1993 में वापस लौटे और गुजरात के आदिवासियों के लिए कल्याण का काम शुरू किया। रामायण की सबरी की कहानी से प्रभावित होकर उन्होंने सबरी मंदिर बनवाया। बाकी खबरों से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप धमचिक मचाते रहिए।